हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल। तो आज का टॉपिक नॉन रिलेटेड टू हाउस, तो एक पब्लिक के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो देखिए, पहले हम इस तरह से बांधते थे, हम मतलब गवर्नमेंट जो बांधता था इस तरह का टैंक्स, अभी भी फ़िलहाल चल रहे हैं इस तरह का टैंक्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो है स्पाइरल स्टेयर्स रहेगा और इसका डिज़ाइन इस तरह सा है, हेक्सागोनल शेप। हेक्सागोनल शेप इसलिए कह रहा हूँ मैं बिकॉज इसका देखिए सेम हेक्सागोन जैसे हमारा सिक्योरिटी गार्ड का रूम जो रहता है ना कौन से भी कॉलेज में ज़्यादातर, तो वहाँ पे भी इस तरह का रहता है। तो डिज़ाइन इस डिज़ाइन इस तरह से है, जैसा देख सकते हैं यहाँ पे वन कॉलम, कॉलम वन, सो सॉरी बीम्स इंटरकनेक्टेड एंड कंपलसरी बीम जो है कनेक्टेड रहेगा, प्लिंथ बीम जो नॉर्मली रहते हैं रोड लेवल ग्राउंड लेवल रहेगा। सो ग्राउंड लेवल से बेहतर है कि थोड़ा सा आप ऊपर भी लेके बांध सकते हैं इसको एंड पूरा कनेक्टेड रहेगा। तो देखिए, मुझे भी उतना कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं है बट कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट कराए, न्यू टैंक प्रोजेक्ट, ओल्ड टैंक प्रोजेक्ट या फिर और स्पाइरल स्टेयरकेस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पाइरल स्टेयरकेस कैसे कनेक्टेड रहता। और एक चीज़ मैं जैसे बताया था ना आपको, मैं एक ग्राउंड लेवल पे रहना चाहिए, तो ग्राउंड लेवल इसलिए लिया जाता है ताकि इसका बीम और इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वो एक रीज़न रहेगा। दूसरा रीज़न, अगर ये ग्राउंड लेवल पे अगर ये ग्राउंड लेवल पे नहीं है, थोड़ा ऊपर लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि इसके अंदर आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं ईजीली। एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ है और ये छठा कॉलम, टोटल सिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स। और स्टेयरकेस का डिज़ाइन इस तरह का स्पाइरल स्टेयरकेस, जिसको जो है सेंटर पे सपोर्ट रहेगा एंड आजू बाजू में कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, जस्ट हैंडल कंपलसरी रहेगा ताकि चढ़ाई करते वक्त कोई भी गिर ना सके। तो टैंक का प्रोजेक्ट है इस तरह का एंड ये आपका हैंडरेल और ये नेवल पोस्ट, यहाँ पे नेवल पोस्ट और ये बैलेस्टर्स, ये आपका बैलेस्टर्स। तो मेन चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट रहता है कि ये एंगल करेक्ट आना बहुत ज़रूरी है, तो एंगल इम्पोर्टेंट है जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एंगल आना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करना पड़ता है। तो ये इस तरह का स्टेयरकेस बहुत कम करना चाहिए जहाँ पे जगह कम रहता है, बट इस फॉर न्यू इस तरह से ओवरहेड टैंक के लिए इसी तरह का सूटेबल रहेगा स्टेयर्स, नहीं तो जस्ट टेम्प्रेरी स्टेयर्स आते थे, जब स्ट्रेट स्टेयर्स नॉर्मली लोहे से बना हुआ स्टेयर्स मिलते थे, अभी फ़िलहाल यहाँ पे उस तरह का नहीं है, काफ़ी बेटर है और वेल गुड लुकिंग ब्यूटीफुल लुक है इसका। ये स्पाइरल स्टेयरकेस, और है टैंक, और पाइपलाइनिंग किस तरह से रहेगा देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो टोटल चार पाइप है इसको, वहाँ पे एक दो तीन चार पाइप है उसके अंदर, तो उसके अंदर एक है इनलेट वो बारीक वाला पाइप एंड तीन मोटा पाइप है, मोटाई पाइप एक दो और तीन, तीन मोटाई पाइप एंड इसका अगर इस तरफ भेजना है पानी तो यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हैं, अगर ये वाला उस पोर्शन पे एंड ये वाला पोर्शन जो है इस पोर्शन पे आप पानी का सप्लाई कर सकते हैं।
तो इस तरह का टैंक का डिज़ाइन रहता है, मे भी हेल्पफुल हो सकता है बच्चों के लिए, जो भी पढ़ाई करते हैं जिसका प्रोजेक्ट रहता है ना, उनको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा इस तरह का डिज़ाइंस। और बीम्स इंटरकनेक्टेड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला आपका पहला हो गया, फिर ये पहला, ये दूसरा, देखिए एक 10 फीट के डिस्टेंस पे कनेक्टेड है। और कनेक्टेड कनेक्ट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, सीधा एकदम स्ट्रेट नहीं है, वहाँ पे एकदम स्ट्रेट नहीं है, उधर गया है डायगोनली स्लोप लिया गया है, 45 डिग्री एंगल से स्लोप लिया गया है, वो देख सकते हैं कॉर्नर पे। तो इस तरह का एक डिज़ाइन, तो एक यहाँ पे फर्स्ट करीब इसका हाइट देख सकते हैं आप, अंदाजे से मैं कह सकता हूँ इसे करीब 50 फीट का इसका हाइट है टोटल। और एक से एक इंटरकनेक्टेड देखिए तो ऐसा जो है करीब एक 10 से 12 फीट तक है, 10-11 फीट आ जाएगा एंड हाइट 10 फीट, हर एक 10-10 फीट पे उसको कनेक्टेड है। और एक ख़ास चीज़, स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है इसको, बाहर साइड स्टेनलेस स्टील आपके, तो कुछ ज़्यादा ही खर्चा, मतलब ब्यूटी को काफ़ी ध्यान में रखा गया आर्किटेक्चरल व्यू को, नहीं तो चुप लोहे का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बट स्टेनलेस स्टील यूज़ किया बड़ी बात है, तो अच्छा है। एक इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर भी बढ़िया सा होगा आदमी,